शायद अखलाक की फैक्ट्री में काम करने गई तीनों बहनें बरामद हो गई हैं। ये तीनों बहनें रविवार को रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गई थी और इसके बाद से अखलाक सियासी हमले शुरू हो गए थे। हालांकि अखलाक ने साफ कर दिया था कि जिस ठेकेदार पर लड़कियों को गायब करने का आरोप लगाया गया है उसका उनकी फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। लड़कियों के सुरक्षित मिल जाने से विरोधियों के मुंह पर ताला लगा हुआ है। शाहिद अखलाक की फैक्ट्री से लापता हुई तीनों बहनें बरामद हो गई हैं। इसके साथ ही विरोधियों की बोलती बंद हो गई है। अखलाक पहले ही कह चुके हैं कि जिस ठेकेदार पर लड़कियों के अपहरण का आरोप लग रहा था उसका फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, न ही वह उनका ठेकेदार है। वह कई जगह लेबर भेजता है। इस बीच लड़कियों की माँ ने SSP से मिलकर ठेकेदार पर अपहरण का आरोप लगाया था, लेकिन मंगलवार को तीनों बहनें सकुशल घर लौट आईं तो सबकी जान में जान आ गई। रोशन आरा कॉलोनी की रहने वाली हुस्न आरा की तीन बेटियां इमराना, रिजवाना व आयशा अल साबिक मीट फैक्ट्री में मजदूरी करती हैं। रोज की तरह रविवार को भी वे नौगजा पीर स्थित पूर्व सांसद सादिक अखलाक की फैक्ट्री में मजदूरी करने गई थी। तीनों शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई। खोजबीन के बाद परिजन सोमवार सुबह SSP के पास पहुंचे और लड़कियों की बरामदगी की गुहार लगाई। इस बीच मामले पर सियासत शुरू हो गई। विरोधियों ने सादिक अखलाक को टारगेट बनाया। जब तीनों बहनें सुरक्षित घर लौट आईं तो विरोधियों की बोलती बंद हो गई। इसके पीछे साजिश का रोना रो रहे नेताओं के मंसूबों पर पानी फिर गया। लड़कियों ने बताया कि वो अपनी मर्जी से कूड़ा बीनने निकल गई थी। उस दिन वो फैक्ट्री गई ही नहीं। तीनों के सकुशल लौटने पर पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट.TV मेरठ।